afternoon students of standard 4 mulanno aaj apan chautha varg value education shikat ahot mulya shiksha aur aaj jo value pad rahe hain wo hai sensitivity संवेदनशीलता आज आपण शिकत आहोत तर लक्ष असू द्या द फर्स्ट लेसन द लिटिल ब्लॅक किटन यू नो किटन अ बेबी ऑफ कॅट बिल्ली का बच्चा ब्लॅक काला लिटिल छोटा लहान आज आपण द लिटिल ब्लॅक किटन हा लेसन शिकतो आहे A little black kitten had entered Tina's garden. एक छोटा बिल्ली का बच्चा टीना के बगीचे में आया 5-year-old Tina, who was playing in the garden. 5 साल उम्र की टीना जो बगीचे में खेल रही थी saw the little kitten. उसने उस बिल्ली के बच्चे को देखा She felt very excited. और वह बहुत excited हो गई आश्चर्यचकित हो गई उत्तेजित हो गई How sweet it is, she said to herself. अपने आप से बोली कि कितना सुंदर है ये I will take it home. मी याला घरी घेऊन जाईल She took the little kitten home. वह छोटे बिल्ली के बच्चे को घर ले आई हाउ मदर गेव इट सम मिल्क उस बच्चे को थोड़ा उसकी माँ ने दूध दिया टीना वॉज वेरी हैप्पी टीना बहुत खुश हुई एंड बिगन टू प्ले विथ इट और वह उसके साथ खेलने लगी है कि नहीं आई विल कॉल हिम ब्लैकी She told her mother, माँ से कह दिया उसने कि मैं इसे क्या बोलूंगी ब्लैकी बोलूंगी नाव ठेवलं तिनं त्याचं ब्लैकी आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद टीनाज मदर हर्ड ब्लैकी मेविंग लाउडली तो टीना की माँ ने ब्लैकी को मेविंग करते हुए म्याव म्याव करते हुए जोर से देखा She went into Tina's room to see what the matter was. और फिर उसकी माँ चले गई टीना के कमरे में क्या हुआ है यह देखने के लिए She saw Tina sitting on the floor with little Becky pulling his tail. उसने देखा कि टीना बैठी है जमीन पे और ब्लैकी की दुम को खींच रही है लिसन टू दिस मम्मी शी सेड वो बोली कि माँ सुनो वेन आई पुल ब्लैकी टेल इट ही म्यूज लाउडली जब मैं ब्लैकी की पूंछ खींचती हूं तो वह जोर से चिल्लाती है जस्ट लाइक माई टॉय किटन डॉग जैसा कि मेरा जो खिलौना है बिल्ला है खिलौने में का वो चिल्लाता है शी पुल्ड ब्लैकी टेल अगेन वापस उसने ब्लैकी की दुम खींची एंड ही म्यूड लाउडली और ब्लैकी जोर से चिल्लाया टीना क्लैप हर हैंड टीना ने तालियां बजाई बट मम्मी वॉज नॉट प्लीज लेकिन मम्मी खुश नहीं हुई डोंट डू दैट टीना शी सेड जेंटली वह धीरे से बोली कि टीना बेटे ऐसा नहीं करो ब्लैकी इज नॉट अ टॉय किटन ब्लैकी खिलौने में का नहीं है ही इज अ रियल किटन वह सही में बिल्ला है You must not hurt him. आपने उसे तकलीफ नहीं देनी चाहिए He too feels pain. Just like we do. जैसा हमें दर्द होता है उसे भी दर्द होता है पी आई एन पेन मायने दर्द
But naughty Tina would not listen and continued with her game. लेकिन नॉटी किन टीना ने कुछ नहीं सुना और वो खेल खेलती रही. फाइनली आखिर में पुअर ब्लैकी रैन अवे एंड हाइड हिमसेल्फ अंडर द बेड. बेचारा ब्लैकी भाग गया और बिस्तर के नीचे जाके छुप गया. हाइड मैंने छुप गया. दैट इवनिंग व्हेन मम्मी वाज कॉम्बिंग टीनाज हेयर, जब मम्मी टीना के बाल बना रही थी, जेव्हा आई टीनाला वेणी घालून देत होती, शी ऍक्सिडेंटली गेव इट अ टक. तो अचानक टीनाच्या आईनं तिच्या केसांना दिला झटका. ओ मम्मी यू आर पुलिंग माय हेअर, आई तू माझे केस ओढून राहिली, इट हर्ट्स, क्राईड टीना. टीना ओरडली, काही मला त्रास होतोय, तू माझे केस ओढते. येस माय डिअर, हा माँ बोली, येस माय डिअर आय एम सॉरी, माफ करना, बट रिमेंबर व्हेन यू पुल बॅक इज टेल इट होर्स बॅक इन द सेम वे. जब तुम बॅकी की दुम खींचती हो तो बॅकी को तकलीफ होती है, जैसे अभी आपको हो रही है. एंड दॅट इज व्हाय ही टू क्राईज, इसलिए वो भी रोता है, तुम भी रो रही हो. यस मम्मी आई अंडरस्टैंड, सेड टीना. टीना बोली, हा मम्मी मला कळलं. आय शाल नेवर हर्ट ब्लैकी और एनी अदर एनिमल अगेन. अब इसके बाद में मैं कभी ब्लैकी को या किसी प्राणी को तकलीफ नहीं दूंगी. आप भी दोगे क्या किसी को तकलीफ? नहीं बच्चों, कभी किसी के साथ ऐसी खिलवाड़ नहीं करना. What do you think? आपको क्या लगता है? Do you sometimes behave like Tina and her animal? आप कभी कभी टीना के जैसा बर्ताव करते हो और प्राणियों को तराज देते हो क्या? बोलो. Yes? बिल्कुल नहीं. No sir, we never. Do you think that animals are useful to us? आपको लगता है कि प्राणी हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं? Yes. If so, अगर ऐसा है, name some animals and say how they are useful to us. ऐसा अगर है तो कुछ प्राणियों के नाम बताइए और वो कैसे हमारे लिए फायदेमंद है, उपयोगी है, बताइए. Cow. Cow gives us milk. Cow dung. है कि नहीं? When you care about the feelings of others, You are called a sensitive person. जब आप दूसरों की भावनाओं की कदर करते हो तो यू आर कॉल्ड अ सेंसिटिव पर्सन. तो आप एक सेंसिटिव पर्सन कहलाते हो, अर्थात संवेदनशील व्यक्ति कहलाते हो. आर यू ए सेंसिटिव पर्सन? क्या आप सेंसिटिव पर्सन हो, संवेदनशील व्यक्ति हो? यस. पण तुम्ही जर दुसऱ्याला त्रास देत असाल तर तुम्ही सेन्सिटिव्ह राहणार नाही. असो मुलांनो, ज्या गोष्टी चांगल्या आहेत करण्यासारख्या, त्याच्यासमोर गुड लिहा. ज्या गोष्टी करू नये त्याच्यासमोर तुम्हाला बॅड लिहायचं आहे, ठीक आहे? जसं एकच समजावून सांगतो, निलेश रिंग्स इज नेबर्स डोअर बेल जस्ट फॉर फन अँड देन रन्स अवे. निलेश त्याच्या शेजाऱ्याच्या घरावर जी बेल असते ना, त्याची बटन नेहमी वाजवत राहतो मजा म्हणून आणि पळून जातो. ही चांगली गोष्ट आहे का? कोणाला विनाकारण त्रास देणे नाही ना, मग इथं बॅड लिहावं लागेल. मग ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्याच्या पुढं गुड लिहा, ज्या गोष्टी आपण करायला नको त्याच्यासमोर बॅड लिहा. चला क्वेश्चन नंबर 2 समजून घेऊया. हॅव यू डन एनी ऑफ दिस थिंग? इफ सो पुट राईट, इफ नॉट पुट क्रॉस इन द गिवन बॉक्स. या ठिकाणी काही गोष्टी दाखवलेल्या आहेत वाक्यामध्ये लिहिलेल्या आहेत. त्यातील ज्या गोष्टी तुम्ही करता त्याच्यासमोर राईट मार्क करायचं, जी गोष्ट तुम्ही करत नाही त्याच्यासमोर क्रॉस मार्क करायचा. एक समजावून सांगतो, प्लक फ्लॉवर्स फ्रॉम अ पार्क. बगीच्यामध्ये फुलं तोडणे, तुम्ही फुलं तोडता का? बगीच्यामध्ये जाऊन परवानगी न घेता करत असाल तर राईट लिहा.
तसं करत नसाल तर क्रॉस करा. तिसरा प्रश्न, हाऊ कॅन यू बी काइंड अँड सेन्सिटिव्ह गिव्ह टू एक्झाम्पल ऑफ ई. तुम्ही दयाळू आणि सेन्सिटिव्ह संवेदनशील कसे बनू शकता, दोन उदाहरणं द्या. इन क्लासमध्ये सांगा दयाळू आणि सेन्सिटिव्ह कसे असता तुम्ही. आय हेल्प टू माय फ्रेंड इफ ही वॉज ॲबसेंट लास्ट डे. जर माझा मित्र काल ॲबसेंट असेल तर मी त्याला वर्गात मदत करतो. आणि घरी तुम्ही काय करता, तसं एखादं वाक्य इथं लिहा, आय गिव्ह मेडिसिन टू माय इल ग्रँडफादर. मी माझ्या आजारी आजोबांना औषध देतो. आय हेल्प स्वीपिंग द रूम टू माय मदर. मी माझ्या आईला घर झाडण्यास मदत करतो. या पद्धतीने तुम्हाला होमवर्क घरी करायचा आहे. थँक्यू. बाकी दुसरा लेसन उद्या बघू.